हेलो दोस्तों, नेट स्टूडियो में आपको वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी रैम शोज़ किए हैं और काफ़ी प्रिंट शूट किए हैं और काफ़ी कुछ काम किया है बॉलीवुड में। और अभी एक डेब्यू मूवी करने के लिए जा रहे हैं, जल्दी उनकी डेब्यू मूवी शूटिंग चालू होने वाली है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं मिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि किस तरह मैं पहुंचा, किस तरह आया, तो बॉलीवुड में तो कहा जाए तो अभी मेरा पहला कदम है। और आपने बहुत से स्टार्स की कहानियाँ सुनी होंगी कि किसको कितना टाइम लग गया आने में और एक अपनी जगह बनाने में, सक्सेस में। और लगता है काफ़ी काफ़ी साल लग जाते हैं तब जाके कहीं सक्सेस मिलती है। तो वैसे तो मुंबई जाके 7-8 साल हो चुके हैं, और जैसा कि आपने ऑडियंस को बताया कि काफ़ी कुछ कर चुका हूँ मैं। रैम शोज़ किए हैं, सिंगिंग शोज़ भी किए हैं, इवेंट्स किए हैं, और कुछ फिल्म्स मिली जो कि साइन करने के बाद स्टार्ट नहीं हो पाई, लेकिन लिंक्स काफ़ी अच्छे हैं, नेटवर्क बनाया। जैसे कि लोग कहते हैं कि कांटेक्ट बेस पे ही सारा काम मिलता है। बिल्कुल उसके साथ साथ टैलेंट भी ज़रूरी है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो एक्टिंग आनी आपको बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक्टिंग की तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स एक्टिंग के बनाए गए हैं। मुंबई में काफ़ी एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि काफ़ी नाम वाले हैं और बनते हैं, वहाँ से लोग निकलते हैं। बस सीखने के बाद उसको कंटिन्यू रखना वो ज़रूरी है। ये आपके हाथ में होता है। रियाज, जैसे सिंगर लोग रियाज करते हैं सुबह उठ के, ऐसे एक्टर्स को भी रियाज करना चाहिए। तो काफ़ी कुछ देखा मुंबई में, परेशानियाँ, तकलीफें, हंसी, खुशी, देखिए, गम, कोई भी मुकाम आसानी से तो हासिल होता नहीं है, ये तो वही आप भी मैंने कहा। बेहतर वो तो आप भी बेहतर जानते हैं ना कि डेट्स आई एम सेइंग, टाइम तो देना पड़ता है। ऑफ कोर्स टेक्स अब टाइम। इस 7-8 साल में आपको कितनी दिक्कतें आई होंगी, हो सकता है कि कभी ऐसा भी मन होता है कि वापस छोड़ के चला जाए, लेकिन आपने रुके, ये बड़ी बात होती है। मुंबई में रुकना, इंडस्ट्री में रुक के काम करना, वो बड़ी बात होती है। डेट्स अ पॉइंट, आपने सही कहा नदीम खान साहब, कि रुकना, रुकने का मतलब स्टैंड करना होता है, बिल्कुल कि आप, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम वहाँ होना चाहिए अपनी लाइन से रिलेटेड ही। चाहे आप एक्टर बनने गए हो, अब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको स्पॉट बॉय करना पड़े, हो सकता है असिस्टेंट डायरेक्टर में आपको काम मिले, तो कहीं ना कहीं लाइन से जुड़ाव रहना चाहिए। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हर कोई हीरो बनना चाहता है, हर कोई हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाते ही हीरो बन जाओगे। हमें सबको ऐसा लगता है कि बस जब तक हम मुंबई जाते नहीं हैं, सपने देखते हैं यहाँ से अपने घर बैठे, तो हमें ये लगता है कि बस मुंबई जाते ही सारे डायरेक्टर्स, सारे स्टूडियोस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, और बस हमें जाते जाते ही ही काम ब्रेक मिल मिलेगा। जाएगा। मुझे भी बिल्कुल, ऐसा ही लगता था, मुझे भी ऐसा सोचता था मैं कि जब तक आप यहाँ थे तो आपको यहाँ ऐसा लगता था कि जब बॉलीवुड में गए तो जाने के बाद देखा तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि यार अभी हमें किसी ने देखा ही कहाँ है, एक नज़र पड़ेगी तो फिर देखो। बिल्कुल वो एक कॉन्फिडेंस होता है, इट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उसके साथ साथ आपको वहाँ की सारी सिचुएशंस भी एक्सेप्ट करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको फेस करने के लिए आएंगी जिसका आपको सामना करना है, उससे गुजर के होते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी मतलब चढ़ने के लिए मिलेगी। बिल्कुल छोटा काम मिलेगा, फिर बड़ा काम मिलेगा। एक बिल्कुल, ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये काम तो काम होता है ना। देखिए, अगर किसी भी एक्ट्रेस को कुछ काम करने का मौका मिलता है, मान लीजिए, तो आप वहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखाओ ना, आप छोटे से रोल को बड़ा कर दो ना, आप अपने काम से आप दिखा दो, प्रूव कर दो यू आर द एक्टर, फिर वही प्रूव वही करना मैं, पड़ता है ना वही चीज़। अगर आपको बिल्कुल मौका मिला तो प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, ये थे जफर खान साहब, बॉलीवुड एक्टर, और काफ़ी कुछ अभी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की दुआ होना चाहिए, बेहतर काम करेंगे।
चलिए, नाइस टू मीट यू, आपसे थैंक यू। मुलाकात।